प्रकृति एक अद्भुत स्थल है ब्रजभूमि मथुरा के गोकुल में। ब्रजभूमि का कण कण श्री कृष्ण में समाया हुआ है और श्री कृष्ण ब्रज में समाये हुए हैं। ब्रज की भूमि श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके चरण से पवित्र और शुद्ध है। यहां पर हर जगह आपको चमत्कार ही चमत्कार मिलेंगे। ब्रजभूमि के गोकुल के रमण रेत मंदिर में चारों तरफ रेत ही रेत है। यहां जो भक्त दर्शन करने के लिए आता है वह बिना रेत में लेटे नहीं जाता। फाल्गुन मास में तो यहां भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि बाल्य अवस्था में बाल गोपाल यहां पर खेला करते थे और रेत में लेटते थे, इसलिए इस मिट्टी को लेकर गजब की मान्यता है। इस वीडियो में इस मिट्टी की विशेषताओं के बारे में भी हम बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। विशाल परिसर में फैला हुआ एक विशाल रेत है। इसमें कुछ अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, एक हिरण अभयारण्य है, तपस्या के लिए एवं संतों व तीर्थयात्रियों के लिए एक आरामदायक आध्यात्मिक क्षेत्र। द्वापर युग में बाल गोपाल के समय रमण बिहारी मंदिर की जगह जंगल था और इस जगह पर भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। एक दिन जब बाल गोपाल खेल रहे थे तब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली थी। तब भगवान ने रेत को ही गेंद बना लिया और उससे खेलने लगे। इसलिए इस मिट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है और इस रेत से न सिर्फ बीमारियां दूर होती हैं बल्कि आपको एक अलग तरह की मानसिक शांति भी मिलेगी। रमन रेती परिसर में यह बताया गया कि रेत की गेंद बनाकर एक दूसरे को मारने से पुण्य मिलता है और सभी दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तजन यहां आकर रेत में लेटते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वो भी पवित्र हो सके, क्योंकि बाल कृष्ण यहां पर चले थे, खेले थे, जिसकी वजह से यह जगह पवित्र है। मंदिर की रेत में लोग नंगे पैर चलते हैं क्योंकि रेत में कोई कंकड़ नहीं है और नंगे पैर चलने में भी कोई असुविधा नहीं होती है। नंगे पैर थोड़ी देर चलने के बाद आपको अच्छा लगने लगता है। रमन रेती की यह रेत अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। कई लोग तो इस रेत को अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहां की रेत को घुटने व जोड़ों पर रखने से पूरा दर्द दूर हो जाता है। रमन रेती आने वाले भक्त मिट्टी का तिलक भी लगाते हैं।
जिनको श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति प्राप्त होती है। यहां पर संत आत्मानंद गिरी आए थे। माना जाता है कि उनको भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए थे, इसलिए भी यह स्थल काफी सिद्ध माना जाता है। साथ ही संत रसखान ने भी यहां तपस्या की थी, यहां इनकी समाधि भी बनी हुई है। बहुत से लोग इस रेत से घर भी बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनके अपने घर का सपना भी पूरा हो जाता है। रमन रेत में रमन बिहारी जी का मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर। यहां पर प्राचीन मंदिर के जर्जर होने के कारण नए मंदिर में रमन बिहारी जी को विराजमान किया गया है। मंदिर में राधा कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति विराजमान है। बताया जाता है कि जो भी सच्चे मन से जो कुछ भी मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है।